तो एक भाई ने कमेंट करके पूछा था कि ग्रेनेड कैसे यूज करते हैं। तो ग्रेनेड यूज करने के लिए मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक गेम प्ले कर लेते हैं एक दो, फिर मैं बताऊंगा कि ग्रेनेड यूज कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग स्पॉन हो चुके, स्पॉन नहीं हुआ रेलवे स्टेशन में ये गेम होगा। तो स्पार्कल बास्टर गेम ऑन हो गया अभी, मतलब गेम स्टार्ट हो गया, ऑन तो है ही गेम। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और एक्सप्लोजिव एमओ रहता है, मतलब रहा है, मतलब है, तो उसे ले लिया मैंने। और एमओ भी है, एमओ भी ले लिया मैंने। यहाँ पर ये आर्मर उसने ले लिया था बास्टर्न ने, तो छोड़ दिया मैंने। यहाँ पर और एक एक्सप्लोजिव वेपन है लेकिन हाई पावर वाला, तो इसे भी ले लेते हैं। एक्सप्लोजिव डाउस से एनिमी आया, वो एनिमी को मैं मार पाऊंगा नहीं, ऐसे ग्रेनेड फेंक दिया मैंने। टीममेट का हेल्थ उल्टा कम हो गया ग्रेनेड से। और ये वाला एनिमी को मैं ग्रेनेड फेंक के देखता हूँ क्या मालूम मर जाए। हाँ एक तो मर गया, और एक इसे भी मार के रहूँगा मैं, उसे कोना से आ जाता हूँ। तो ये आर्मर एनहांसर बाद में लूँगा, पहले मार देता हूँ। मेरे टीममेट भी नोक है जल्दी से। हाँ मर गया, ये एनिमी मर गया, तीनों रस खत्म, पूरा वो लोग का टीम खत्म। अभी आराम से रिवाइव करते हैं, आराम से नहीं एनिमी को देखते रहना पड़ेगा। एनिमी नहीं आ रहा है, और इसे भी रिवाइव देके बचा लेते हैं अपने भाई लोग को, भाई की बहन आई डोंट नो, बट बचा लेते हैं यार, क्या ही आएगा हम लोग का गेम में। तो और एमओ यहाँ सब बहुत सारा लूट पड़ा हुआ है। आर्मर एनहांसर ले लेते हैं, उसी का जरूरत है मुझे। और एनएंस मैगजीन भी ले लेते हैं, उसका भी जरूरत है मुझे। यहाँ पर स्पॉन मतलब जो है अपना सर्कल वो छोटा हो रहा है। वो तीन जन बच्चे हैं गेम प्ले में, अभी दो जन बच्चे हैं गेम प्ले में, अभी एक जन बच्चे हैं गेम प्ले। ट्रेन आ रहा है, ट्रेन से बच गए, तो मैं ट्रेन से उड़ा जाता मैं। तो कोई नहीं, अभी चलता है गेम प्ले। अभी वन जन बचा हुआ है, उसे ढूंढते हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं ये मैच को। आखिरी बंडा कहाँ मिलेगा भाई लोग, हम देखते हैं। आखिरी बंडा को कोशिश करूँगा मैं मारने का, लेकिन मेरे टीममेट मार लेंगे क्या होगा। आखिरी में बास्टन है भाई, बास्टन। अरे यार भाग भाई। अरे यार मैं खुद ही का ग्रेनेड से खुद मर गया क्या यार, इससे मालूम नहीं क्या हुआ, छोड़ो। ओ अपने फ्रेंड का ग्रेनेड से मैं मर गया, कोई नहीं। तो मुझे क्या मिला, 14 वो मिला, चलो ये तो ठीक ही रहा हो ये सब। तो भाई लोग अभी और एक गेम प्ले कर लेते हैं, वो भी होटल में खुलेगा गेम, और देखते हैं गेम प्ले में क्या होगा। BGM इंस्टॉल कर स्पार्कल और रावेन। यहाँ पर मुझे शुरुआत में ही आर्मर एनहांसर मिल गया, जो कि बहुत ही अच्छा बात है, और एमओ भी मिल गया, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। ओबियसली तो चाहिए ही गेम जीतने के लिए हम लोग को एमओ और आर्मर और भी पावर ऑफ्स। हाँ ग्रेनेड चाहिए। हाँ ग्रेनेड का पावर ऑफ्स नहीं मिला, छोड़ो कोई नहीं। आर्मर एनहांसर वहाँ पर है, उसे भी ले लेते हैं। आर्मर एनहांसर नहीं है, बस ये आर्मर है, ओनली आर्मर वहाँ पर था। एक एनिमी आया। अरे यार इसका हेल्थ बहुत ही ज़्यादा है, मैं नहीं मार पाया। कोई बात नहीं, मेरा टीममेट मार लेगा इसे। यार मार दे जल्दी मार, ग्रेनेड फेंक। अब भाई साहब ये लोग के पास ग्रेनेड पावर ऑफ्स नहीं है, कोई बात नहीं, मार दे कुछ पावर ऑफ्स यूज करके मार दे यार। और यार ये तो खुद ही मर गया यार, मैं भी मर गया, मैं ये उसको क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद ही मर गया। यहाँ पर हार गए हम लोग, डिफीट हो चुके हैं। ना फर्स्ट आया, ना थर्ड आया, ना सेकेंड आया, हार चुके पूरे टोटली, और -4 उल्टा हो चुका है। तो भाई लोग एक भाई ने पूछा था कि ग्रेनेड कैसे यूज़ करते हैं, तो ग्रेनेड यूज़ करना मैं उसे सिखा देता हूँ जल्द से जल्द। तो देखो ग्रेनेड यूज़ करना वो कैरेक्टर का बात है, कैरेक्टर के पास अगर एबिलिटी होगा ग्रेनेड का तभी हम लोग यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसके पास जैसे कि नहीं है एबिलिटी ग्रेनेड का, वैसे ही इसके पास। और स्टॉलकोर ये रहा, इसका पास भी होगा कि नहीं, इसका पास हीलिंग वाला है, ये हार्डनेस जो तो एबिलिटी होता है, लेकिन सबका अलग अलग एबिलिटी होता है हर करेक्टर का। ये अपना ये स्टॉलकोर का देख लेते हैं, कॉमन है जो कि, इसका भी नहीं है शायद, इसका ये है टीम हीलिंग है। और क्या क्या है भाई, एम्बुस वाला है, तो इसके पास भी नहीं है ग्रेनेड वाला मैं यूज़ करता हूँ वो स्पार्कल के पास है, और दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो स्पार्कल के पास एकदम लेवल 1 में ही ग्रेनेड का वो मिल जाता है। तो ग्रेनेड मेरा लेवल 11 हो चुका है उसे भी, और वही सब चल रहा है अभी। तुम लोग को भी अपडेट करना होगा ग्रेनेड, तुम ढूंढ लेना कौन से करेक्टर में, मुझे मालूम नहीं ऐसे ऐसे। तो एबिलिटी में जाके करेक्टर का जाके ढूंढ लेना। मेरे पास तो अभी स्पार्कल करेक्टर ही है जिसमें ग्रेनेड यूज़ हो सकता है।